नाक की मणि के लालच में शहनगर आए शख्स की धारदार हथियार से गोदकर हत्या। शहनगर पुलिस जुटी मामले की जांच में। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के थाना शहनगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर किसी अज्ञात मणि के लालच में आए एक शख्स की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी लगते ही शहनगर पुलिस बल सहित एसडीओपी सौरभ रत्नाकर एवं पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण यस थोटा शहनगर पहुंचे और मौका स्थल का निरीक्षण कर डॉग स्क्वाड FSL इत्यादि के माध्यम से जांच कराई जा रही है, जिसके संबंध में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले मृतक विकास पांडे की किसी शख्स से छतरपुर के बागेश्वर धाम में मुलाकात हुई थी, जो उन्हें नागमणि के लालच में फोन करके शहनगर बुलाया था, जिसके बाद मृतक विकास पांडे अपने दो साथियों के साथ बीती देर रात शाम घटनास्थल शहनगर पुराना ग्राम के समीप आए, जहां पर अज्ञात आरोपी दो लोग को जंगली झाड़ी की ओर ले जाकर मारपीट करने लगा, जिसमें एक तो लहूलुहान हालत में छूटकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन मृतक विकास पांडे को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद रात से ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई और सुबह होते ही आला पुलिस अधिकारी भी शहनगर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस लूट सहित घटना की अन्य एंगलों पर जांच कर रही है। PBC के लिए पन्ना से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कल क्या घटना घट गई, बताएं उसके बारे में। सर, मैं सर बागेश्वर धाम सर जा रहा था, तो सर जो मृतक हैं उनके सर मृतक के सर किसी से बात चल रही थी बराबर फोन पे। किस बात की बात चल रही थी सर? पता नहीं सर, ये तो सर कंफर्म नहीं है, लेकिन सर कोई सर सामान अमान की बात चल रही थी। कौन सा सामान सर? कोई वस्तु वस्तु बता रहे थे कि आके देख जा तू। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वो कह रहे थे तू देख ले आके ये वो सर जो भी चीजें हैं, तो सर बहुत सर जोर जबरदस्ती करके सर यहाँ लाया गया। तो सर मुझे यहाँ कितने बजे शाम के पहुंची ये बताइए आप। सर शाम के सर हमें लग रहा है सर 4-5 बजे करीब पहुंचे हैं, 4:30-5 बजे करीब सर। टाइम का सर हमें याद नहीं है। हाँ, घटना कितने बजे घटी सर? घटना सर घटी है हमें लगता है 7:30-8 बजे के करीब सर, 8-8 बजे के करीब लगभग। आरोपी कितने थे? आरोपी सर हम सर 3 लोग सर ऊपर रोड पे देखे जा रहे थे, 2 लोग सर नीचे थे। अच्छा जी सर। 5 आरोपी थे? हाँ सर, मौके पे सर जो दिख रहे थे। हाँ हाँ जी। अच्छा, फिर क्या कैसा घटना घटी, कैसे क्या घटना हुआ सर? ये सर गए सर नीचे। ठीक है। ये सर फिर मार्केट कुछ खाने पीने के लिए सर आइटम लेकर आए। ठीक है, उनके लिए तो सर हम लोग सर गाड़ी में बैठे थे, तो ये सर उतरे खाने पीने का सामान लेके, साथी भी जो थे इनके भैया कहे अकेले ना जाने दे जा तू भी चला जा, तो भैया कह रहे मैं भी चलूं, तो कह रहे नहीं भैया आप मत जाइएगा, नहीं भाग जाएंगे आपको देख के। तो सर बस ये दोनों सर गए। ठीक है, जाने के बाद सर उधर से पता चला 5 मिनट के बाद सर वो भागते भागते सर आया, ये जो उसके सर चोट लगी है, तो कह रहा भैया 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 देखिए भैया उसको मार डालेंगे, भैया वो लोग मार डालेंगे, ये पूरा खून से लथपथ सर के यहाँ पे। तो तुरंत सर गेट खुला, इसको सर बैठा ला, तो भैया तुरंत कहे किधर है, तो कहे उधर, तो भैया तुरंत उतरे, डंडा रखा था गाड़ी में, तुरंत लेके भैया उधर ही कूद गए बस, तुरंत सर हमने गाड़ी घुमाई और सर जिधर सर ढलान थी उसी की तरफ सर रोड के सीधे सीधे सर गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी कार, और सर डीपर अपर मार के सर हॉर्न मार रहे हैं सर कि देख लें दिख जाए उनको भी। अब सर देखा सर कोई, जब सर पता नहीं चला तो सर फिर अब गाड़ी सर किनारे लगा के सर हम भी गए वहाँ पे, उसके बाद सर हमने सर 112 पे सर कॉल किया। ठीक है सर, पूरी सर ये सब जो चीजें हुई सर उसकी जानकारी सर बोली। पैसा कितना लूट ले गए सर? पैसा का सर कुछ नहीं पता है हमें। आपको जानकारी नहीं? नहीं सर, वो सर बैग एक टांगे थे और जो चोट लगी है जिनके इनके पास भी सर एक बैग था और उनके पास भी सर एक सर बड़ा बैग जो हमारी गाड़ी में शायद अभी भी रखा हुआ है सर, थाने में खड़ी है, उसमें भी सर पैसा मतलब पैसा बता रहे हैं, एक इतना बड़ा सा बैग रखा हुआ था और सर वो जो सर मोबाइल वोबाइल सर जो क्या होता है वो सर एक बैग था इतना बड़ा सा मतलब छोटा सा। तो जो लुटेरे कुछ ले गए हैं साथ में सामान सर? इसका तो सर हमें जानकारी नहीं है सर, मैंने सर उससे पूछा भी तो तुम्हें हुआ क्या है, जब सर अस्पताल से लेकर आ रहे हैं तो कह रहा है भैया पता नहीं किस बात का विवाद है, तो वो हमसे कहें कि ये लोग सामान है इसको अभी मत खोलना, पहले चेक कर ले सामान इसके साथ गए थे, कहें चेक कर ले। अब सर उसमें पता नहीं सर क्या हुआ, कहें रुके जला नहीं जला नहीं, अब सर उसमें झपट्टा सर उसके ऊपर मारने लगे सर, पता नहीं सर किस बात का सर लेके विवाद होने लगा, बस सर ये देखा सर पकड़ लिया सब उसने। अपना सुना बता दीजिए सर। मेरा नाम सर प्रिंस चौहान है सर।
कहाँ के रहने वाले सर? मैं लखनऊ से चिन्हट का रहने वाला हूँ सर। मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, गाड़ी लेकर आया हूँ भैया के साथ। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? अनूप सिंह। अनूप सिंह, कहाँ के रहने वाले? हम प्रतापगढ़ यूपी के। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ विकास महाराज जी थे ना, उन्हीं के साथ आया था। आए थे। कल क्या घटनाक्रम हुआ है बताएं थोड़ा सा। घटनाक्रम थे, कोई मड़ी का बात था। हाँ। और एक बार वो विकास कहीं देखा था मड़ी। हाँ। देखा था कि नहीं देखा था, मतलब वो बता रहे थे, हम उनसे मिल चुके हैं। हाँ। तो हम लोग आए थे बागेश्वर धाम, वहाँ से चल के ये भी आया दिल्ली, बोला मंदिर चलते हैं। हम लोग मंदिर पे आते जाते थे, इसको हम जानते नहीं थे। वही मंदिर पे 3-4 महीने पहले हमको वही दर्शन वर्शन करने गए थे, वही मुलाकात हो गई। तो इसको भी मड़ी उड़ी कोई बारे में पड़ता नहीं था। कोई बाबा इसको 1 महीने से हाँ बताओ 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 1 महीने से मिला था। हाँ। उसी के चक्कर में भटक रहा था और हमको लेके यहाँ चला आया। हाँ। और यहाँ आया तो वो चेक कराने के चक्कर में चेक भी नहीं, लाइट भी नहीं जली और झगड़ा हो गई, उसको मारना चालू कर दिया ताबा तोड़। हाँ। हम अपनी जान बचा के छोड़े नहीं थे, हमको भी मारा। पैसा कितना ले गया? पैसा का कन्फर्म नहीं था, पैसा हम नहीं जानते। पैसा था उसके पास ही जानते हैं। कितना रहा होगा? लमसम 4-5 लाख ऐसा है। 4-5 लाख बता रहा था कि व्यवस्था हो गया है और लिया था कि नहीं लिया, मगर पैसा हम देखे नहीं, मगर वहाँ ले गया था, नहीं लिया था इसीलिए वो हुआ था। तो लूट के लेके गए क्या? कैसा? नहीं लूटे नहीं थे, पैसा शायद उनको दे दिए थे। उनको दे दिए थे? हाँ सर। आरोपियों को? हाँ आरोपियों को। हाँ आरोपियों को दे दिए। पैसा छुड़ाने के चक्कर में हो सकता है ऐसा लगता है कि वो मड़ी पाए कि नहीं पाए, बस वही मार झाड़ू पैसा वैसा चक्कर था। चलिए ठीक। श्री श्रीमान जी, पुरैना में एक हत्या हुई है सर जी, क्या कैसा घटनाक्रम थोड़ा बताएं सर? घटनाक्रम ये है कि कल शाम और रात के आसपास की बात है, जब सूचना मिली थी शाहनगर थाने में कि एक व्यक्ति को मारा गया है। वहां पर पहुंच कर देखा गया तो एक मृतावस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसके बाद उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे, इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो पता चला कि किसी मनी के संबंध में इन लोगों को इस व्यक्ति को कुछ फ़ोन आया था और ये वहाँ पहुँचा और उसके बाद जो भी यह घटना घटी है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमने कुछ संदिग्धों को भी उठाया है और अभी जैसी कार्रवाई होगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। सर ये प्रथम दृष्टा क्या समझ में आता है, पारदी लोगों वगैरह उसमें इन्वॉल्वमेंट है सर? अभी ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी क्राइम है, पर अभी किसी भी एक व्यक्ति विशेष या किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। जैसे हमारी कार्रवाई हो जाएगी हम बता दें। सर मृतक की पहचान हो गई? सर मृतक की पहचान हो गई है, उसके परिजनों से बात हो गई है। जी सर। मृतक का सर नाम? सॉरी मृतक का नाम सर? मृतक का नाम विकास पांडे है जी, वो यूपी के रहने वाले हैं। जी सर, सब धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।